सो गाइस, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। हमारे चैनल पे हो चुके 35K सब्सक्राइबर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से मैंने आप ही 2-3 दिन पहले ही कहा था कि 35,000 सब्सक्राइबर से हम बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 200-300 सब्सक्राइबर और चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी ने 35K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया। तो गाइस, आप सभी को थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। हमारा चैनल 35,000 सब्सक्राइबर का हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है गाइस, ऐसी और सपोर्ट दिखाइए। एंड दिन पे दिन यहाँ पे हमारा चैनल दिन पे दिन बड़ा हो रहा है और हमें अब नेक्स्ट टारगेट है 40,000 सब्सक्राइबर। तो गाइस, यहाँ पे 40,000 सब्सक्राइबर मेरे हिसाब से अगले मंथ में, यानी कि मई मंथ में हमारे 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों, आप सभी के वजह से होगा। तो गाइस, आगे का तो फ्यूचर में बाद में बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के रिलेटेड टॉप 10 अपडेट्स। यहाँ दोस्तों, रोज की तरह आज भी पीकेएल के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए। तो गाइस, 35K सब्सक्राइबर के स्पेशल वीडियो के चलते, तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे 200 लाइक्स आप जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। अभी आपने 200 लाइक कंप्लीट करवा दिए, तो गाइस थैंक यू सो मच। तो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ पीकेएल ऑक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पीकेएल ऑक्शन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है ऑक्शन डेट को रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता हो कि यहाँ पे 5 तारीख को पीकेएल का मिडिल राइट्स का ऑक्शन होने वाला था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक कोर्ट में फाइल केस हो गया है पीकेएल का, लेकिन इसी के रिलेटेड यहाँ पे जो पीकेएल का मिडिल राइट्स का ऑक्शन था वो 10 दिन डिले होगा। तो गाइस, यहाँ पे अब पीकेएल का मिडिल राइट्स का ऑक्शन हमें 15 तारीख को देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि जो हमें लग रहा था कि 21 अप्रैल को हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा, वो हमें लेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें अप्रैल के आखिरी वीक या फिर मई के मंथ में देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक में मैं आपको बाद में, यानी कि परसों या फिर कल तक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक पर हम आराम से उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे अगला अपडेट निकल आता है स्टार कबड्डी लीग के रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पे स्टार कबड्डी लीग ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि उनका एंकर कौन है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार कबड्डी लीग के एंकर ये रहने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको पता हो कि यहाँ पे मई में स्टार कबड्डी लीग सीजन 2 स्टार्ट हो जाएगा और उनका एंकर अनाउंस हो चुके हैं। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्त, यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पे प्रो कबड्डी फोटो अपलोड किया, जहाँ पे दीपक निवास हुड्डा का क्या कहना है प्रो कबड्डी के बारे में। तो बस, यहाँ पे दीपक निवास हुड्डा ने एक फोटो अपलोड किया जहाँ पे लिखा कि बिफोर प्रो कबड्डी लीग देर वॉज नॉट मच स्कोप इन कबड्डी, नाउ पीपल रिकॉग्नाइज ऑल द वीवो पीकेएल ऑल द वीवो प्रो कबड्डी लीग प्लेयर्स वेर एवर वी ट्रेवल इन द कंट्री। तो गाइस, यहाँ पे दीपक निवास हुड्डा का यही कहना है कि यहाँ पे पहले वीवो प्रो कबड्डी नहीं था, तो गाइस यहाँ पे नहीं जाते थे। अब वीवो प्रो कबड्डी के चलते यहाँ पे जहाँ पे भी इंडिया में कभी भी ट्रेवल करते हैं, सब इनको जानते हैं वीवो प्रो कबड्डी लीग को। और इसके रिलेटेड यहाँ पे प्रो कबड्डी ने नीचे लिखा है कि हाउ द टाइम्स हैव चेंज, ड्रॉप अ लाइक इफ यू थिंक दीपक निवास हुड्डा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वीवो प्रो कबड्डी हिस्ट्री। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है 47th इंटर सर्विस कबड्डी चैंपियनशिप के रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पे इनका जो स्टार्टिंग डेट वो अनाउंस हो चुका है गाइस, ये 3 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक खेला जाएगा। वो खेला जाएगा हेड क्वार्टर दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 तारीख को ही खेला जाएगा, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आज से 6 तारीख तक हमें देखने को मिलेगा। उसके रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों, 2 टीम्स की यहाँ पे स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो सबसे पहले टीम है वो टीम ग्रीन आर्मी है। उसके स्क्वाड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि स्क्वाड में सचिन तोमर, मोनू गोयत, अजीत चहर, अमित नरवाल, मोनू राठी, साहिल चहर, अमन हुड्डा, देवर नेहरा, राकेश, सिद्धार्थ, विजय तेवटिया, मोहित एंड रेदू। इनके कोच है उपेंद्र कुमार। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो टीम रेड आर्मी है उनके भी स्क्वाड अनाउंस हो चुके, जिसमें है कि मंजीत दहिया, दर्शन कादिया, नीरज तनवर, महेंद्र सिंह, जयदीप शर्मा, राकेश गौड़ा, अर्जुन देसवाल, अनिल नरवाल, साविन नरवाल, सुंदर राठेर, लकी शर्मा, संजीत नरवाल। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे बात कीजिए अगले अपडेट की। दोस्तों, यहाँ पे पवन कुमार सहरावत ने एक वर्कआउट का वीडियो अपलोड किया, जहाँ पे नीचे लिखा है कि वर्किंग आउट फॉर द नेशनल्स, यानी कि यहाँ पे पवन कुमार सहरावत वर्किंग कर रहे हैं प्रो कबड्डी नहीं, यानी कि जो नेशनल स्टार्ट होने वाला 13 अप्रैल से 68 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे श्रीकांत जाधव एंड पवन कुमार सहरावत वर्कआउट कर रहे हैं। उसका वीडियो अपलोड यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे किया है। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों, आपको पता हो कि यहाँ पे इनके विजेता है बांग्लादेश की टीम एंड रनर अप टीम है
केनिया की टीम। तो इस यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अवार्ड सेरेमनी में बता देता हूँ फाइनल्स को। तो इस यहाँ पे फाइनल के मैच के बेस्ट ट्रेडर थे जेम्स एंड कामवेती जो केनिया के प्लेयर थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे तुहिन तराफदार एंड बेस्ट डिफेंडर थे मोनिरुल इस्लाम। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कबड्डी पोलैंड ने बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के बारे में कहा है, जहाँ पे लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू बांग्लादेश फॉर विनिंग द बंगबंधु कबड्डी कप। यहाँ पे लिखा कि दोस्तों कमिश्रेशन टू द रनर्स ऑफ केन्या कबड्डी एंड एवरीवन एल्स दैट पार्टिसिपेट श्रीलंका कबड्डी पोलैंड एंड नेपाल। इट वाज अ ब्रिलियंट कबड्डी टूर्नामेंट टू वॉच गाइस। यहाँ पे कबड्डी पोलैंड थैंक्स सभी को कह रहे हैं जिसने पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया टूर्नामेंट में। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ बंगबंधु कबड्डी कप के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो मसूद करीम थे जो बांग्लादेश के टीम के मेंबर थे वो पता है कि बंगबंधु कबड्डी कप स्टार्ट होने से पहले जो कोविड थे वो टेस्ट पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन दोस्तों यहां पे 7 दिन के लिए आइसोलेटेड हुए थे एंड यहां पे दोस्तों उसके बाद जब टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव पाए गए एंड यहां पे उनको परमिशन मिल चुकी थी कि वो फाइनल में खेलेंगे एंड फाइनल में जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया एंड फाइनली बांग्लादेश को ट्रॉफी जितवाया। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन आप सभी के लिए कि दोस्त यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉजिटिव आ गए थे, देन यहाँ पे आइसोलेटेड हुए, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गए एंड देन यहाँ पे बांग्लादेश को मतलब कि बंगबंधु कबड्डी कप जीता है। तो चलो सर आज के वीडियो में इतना बड़ा हो, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताया गाइस। यहाँ पे साथ ही साथ हमारी चैनल 35,000 मेंबर की हो चुके गाइस। यहाँ पे कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमारे चैनल पे कभी 35,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे एंड यहाँ पे एक दिन 40,000 50,000 हो जाएंगे, वो आप ही के वजह से होगा। तो गाइस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप में से बहुत सारे जन अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं अक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा उसे ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि नई वीडियो जब भी डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पे आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ऐसी डेली कोशिश करूंगा कि कबड्डी के जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं यहां पे आईपीएल के वीडियो भी कवर करने वाला हूं। यहां पे मैं आईपीएल के वीडियोस भी जरूर इस चैनल पे अपलोड करूंगा। दोस्तों यहां पे हमारे चैनल ना ही कबड्डी का है, यहां पे हम क्रिकेट के रिलेटेड भी वीडियो डालेंगे, अभी फिलहाल नहीं डालेंगे, देन यहां पे हम रेगुलर मतलब कि जो भी मेन अपडेट्स निकल के स्पोर्ट्स के रिलेटेड आएंगे क्रिकेट एंड आईपीएल पे उस पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। सो गाइस वीडियो का एक लाइक कर दीजिएगा, 200 लाइक है मैं तो गाइस जरूर चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 200 लाइक है मैं तो गाइस जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पे कर दीजिएगा। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।